इन 2 सालों में हमने शायद बहुत कुछ देख लिया। हमारी दौड़ती भागती जिंदगी में कोरोना ने ऐसा ब्रेक लगाया कि पूरी दुनिया 4 दीवारी में सिमट गई। लेकिन हमें कुछ अहम लोगों की अहमियत भी समझ में आई। डॉक्टर्स तो थे ही भगवान का रूप, पर उनके अलावा भी कुछ थे जिन्हें हम खाने में नमक की तरह कह सकते हैं, जिनके वजूद को हमने कभी पहचाना नहीं और जिनके बिना हमारा काम चलता नहीं। शुरुआत उनसे जिन्हें कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा था, क्योंकि मरीजों का संपर्क पहले इन्हीं से होना था। सर, कोविड टाइम में आपको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? जैसे बहुत सारे पेशेंट आते थे, जैसे कोई मास्क नहीं लगा रहा है, या फिर हैंड वॉशिंग नहीं, सैनिटाइज नहीं कर रहा है, या वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को उनको गाइडलाइन देना पड़ता था, बताना पड़ता था। दूसरी चीज़ यह है कि कभी कभी क्या होता था कि बहुत ज़्यादा वो लोग इरीटेट हो जाते थे, तो उनको बताना पड़ता था कि ये समस्याएँ पूरे मानव समाज के लिए हैं। जैसे कि हम अस्पताल में काम करते हैं, तो हम आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको सही गाइड करने के लिए यहाँ पे हम ड्यूटी में लगे हैं। ओवर टाइम भी किया आपने सर कोविड टाइम में? जी मैम, कई बार ओवर टाइम करना पड़ा है। फैमिली सब उसमें से कैसे आप फेस करते थे, क्योंकि आप हॉस्पिटल में थे, फैमिली की भी टेंशन रहती है कि उनको ना कोविड हो जाए। जैसे अभी हम लोग ड्यूटी में जाते थे, तो जहाँ पे हमारा रेजिडेंस है जिसे घर पे जाते थे, तो जो आस पड़ोस लोग हैं वो ज़्यादातर लोग बात नहीं करते थे कि ये तो अस्पताल में काम करते हैं, तो हम लोगों से ज़्यादा कोई क्लोज नहीं होता था, मतलब दूर दूर से ही बात करते थे। अब मिलते हैं उनसे जो मरीजों की दिन रात सेवा करती हैं। मैम, आप लोगों ने क्या चैलेंजेस फेस किए हॉस्पिटल में भी, पर्सनल लाइफ में भी, ऐसा कुछ ना? कोरोना टाइम पे मैंने अपना हस्बैंड को दिया सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए। बाकी ड्यूटी तो हम करते ही हैं, यहाँ पे बहुत परिवार टूटते हुए भी देखा है। मैम, तब भी आप अपनी जॉब ड्यूटी कर रही थी उस टाइम में भी? जॉब पे हूँ क्योंकि मेरी छोटी बच्ची है 9 साल की। मैम, आपने कोविड में क्या प्रॉब्लम्स फेस करी? बहुत सारी दिक्कतें आई हम लोग के सामने, क्योंकि उस टाइम में स्टाफ हमारा थोड़ा सा कम कर दिया गया। कोविड हॉस्पिटल तो बना नहीं था, उसके बावजूद भी हम लोगों ने यहाँ पे पेशेंट की केयर करी, कोविड पेशेंट का, क्योंकि हमारा कोविड सेंटर नहीं बना था। उसके बाद में इमरजेंसी में रहे, होल्डिंग एरिया में पेशेंट रहे, कम स्टाफ में भी हम लोगों ने ज़्यादा टाइम दे के पेशेंटों की केयर की। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में सर, कोरोना जब पीक पर था पिछले 2-3 महीने पहले, तो उस समय आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े? क्या, क्योंकि आप एक अकेले आप कितना हैंडल कर पाते हैं, तो क्या तब क्या आप कैसे मैनेज करते थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आए आपको? सर, आपको रियल बताएं तो मैं पर डे आता हूँ, मेरे सीनियर लोग हैं सब देखने हैं कि मैं आता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे 2 पत्ती करता हूँ, मशीनों की पूजा करता हूँ, एज पर कि जैसे कि मशीनें ही हमारा सब कुछ है, भगवान है, क्योंकि वो चलती रहती हैं तो हम चलते रहते हैं। ठीक है, तो हम यही दुआ करते थे कि कभी कभी मशीनों में कोई दिक्कत ना आए, नहीं तो पेशेंट को प्रॉब्लम होगी। पेशेंट को मान लीजिए कि अजंता हॉस्पिटल में आए पेशेंट, वो ये सोच के आता है कि हमको सब कुछ यहीं मिल जाएगा, सीटी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी वगैरह सब कुछ यहाँ पे है। मान लीजिए मशीन में कोई दिक्कत आती है तो पेशेंट को अदर जगह भेजना पड़ता है, सीटी है के लिए, तो उसके लिए प्रॉब्लम। तो इसीलिए हम लोग बहुत ही वो करते थे कि भगवान मशीनों को ठीक रखें। जब से ये कोविड पीरियड आया, मतलब कि हमारे लास्ट 2 ईयर से ये था कि हर एक पेशेंट की एडमिशन के बाद कोविड टेस्ट कंपलसरी हो गया था। मैम, जब बहुत ज़्यादा रिस्की टाइम था तो हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल होना मुश्किल था, पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, पेशेंट भी बहुत ज़्यादा टेंशनाइज रहता था, तो यही सब चीज़ें करते हुए वो था, फिर यही हम लोगों का वर्क होता था। 2020 और 2021 ने हमसे क्या कुछ नहीं छीन लिया, नौकरी, पढ़ाई और सबसे महत्वपूर्ण लोगों की जिंदगी। वहीं कुछ लोगों ने अपने कर्म को धर्म मानकर आगे बढ़ते गए। महामारी के अंधकार में जहां छाई मायूसियत की परछाई थी, वहीं माना हमने इन्हें सेवा भाव की मूरत, क्योंकि हर जिम्मेदारी इन्होंने बखूबी निभाई थी।